सर, रोलेक्स टू। रोलेक्स टू, अच्छा, ओके, रोलेक्स टू, बिल्कुल। थोड़ा सा चेस्टरफील्ड का इसके अंदर काम किया हुआ है, नीचे जरा सी कुल्टिंग है, टच है, बीच में लाइनिंग का काम है, ठीक है। फ्लोरल कुशन है और 9x7 स्टैंडर्ड साइज होते हैं, थोड़ा सा उनसे बड़ा है, ठीक है। और 3x3 की सैनिटेबल है कॉर्नर के साथ। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट एक ही है, इसके अंदर एक चेयर बनी हुई है सर, ठीक है। ये इससे LHS RHS दोनों को कवर करता है, अच्छा, ठीक है। ये आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह रख सकते हैं, विद डिवाइडर है। इसकी स्पेसिफिकेशन हमको लगेगी आपसे, क्योंकि ये कार्विंग सोफ़ा है, मुझे जानना होगा। सबसे पहला सवाल, ये रेजन है कि लकड़ी है? ये सर फाइबर के अंदर है, रेजन। अच्छा, और ये उन लोगों के लिए है जो कार्विंग के अंदर एल कॉर्नर मांगते हैं। हमारे 4, 5, 6 डिजाइन कार्विंग के अंदर एल कॉर्नर बन रहे हैं। अच्छा, उनमें से एक ये आज डिस्प्ले लगा हुआ है, पहले भी हम कुछ वीडियो में कर चुके हैं एल कॉर्नर विद कार्विंग। अच्छा जी, ठीक है। तो ये लग्जरी सेगमेंट में आया, थोड़ा हाई एंड सोफा था, हाई एंड फैब्रिक है, मगर रेजिन में है। और इसके ऊपर जो आपने, ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर इसकी, जो पॉलिश की, पॉलिश वाल की, इसके अलावा पॉलिश में वेरिएशन कस्टमाइजेशन है इसका? बिल्कुल हो जाएगा। अभी फिलहाल मेटैलिक पॉलिश हुई पड़ी है, गोल्डन मेटैलिक विद ब्लैक एंटीक, ठीक है। डुअल एक्सेंट है इसमें जी, बिल्कुल, ब्लैक का और शैम्पेन कलर का जी, ठीक है। और जो इसमें फैब्रिक लगा हुआ है वो हमारा स्वेट वेलवेट है, सॉफ्ट वेलवेट बैक में एंड जैकार्ड इन सीट कुछ है, बिल्कुल, ठीक है, डन। इसमें हमारे पास कैटलॉग है कलर्स का जी, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है सर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ सीटिंग इसकी बता दें कितनी है, 7+2 8 सर, डिवाइडर है सर। अच्छा, डिवाइडर 3+2 प्लस कॉर्नर 6 और 2, 8 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं बड़े आराम से, है ना जी, बिल्कुल। 8 एडल्ट्स और बच्चों के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा, बहुत अच्छा लटका नेम, मुझे अच्छा लगा। सो वी स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। और साथ में सेंटर टेबल है यहाँ पे, सेंटर टेबल पे ग्लास देंगे जी, बिल्कुल, ओके। चाहिए तो आप ऑनिक्स भी लगवा सकते हैं इस पे, उसके चार्जेज अलग हैं, फिलहाल हमें वाइट प्लेन ग्लास देंगे, बिल्कुल, ठीक है। उन लोगों के लिए जो जिनके पास जगह की कमी होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा ये, आराम से आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, वो लोग भी यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं। दिस अगेन इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड जिसकी डिज़ाइन है, बहुत पॉपुलर डिज़ाइन है ये जी, बिल्कुल, और ठीक है। थोड़ा सा लाउड हो गया फैब्रिक इसका मेरे टेस्ट के हिसाब से, इसको हमने कलर बदल बदल के बनाया हुआ बहुत बार। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। ये देखिए, ये अलग अलग टोन में आपको दिखाई देता है, ये क्या ब्लू में हमने कर दिया पूरा, है ना, पहले भी उस बेज था ना ये, बिल्कुल सर, ग्रीन का थोड़ा सा नया शेड आया, पेस्टल ग्रीन या कुछ भी कह लो आप, तो उस तरह का फैब्रिक लगा हुआ है। अच्छा, 3 सीटर है हमारे पास इसमें, और इसमें 2 सीटर है, ये भी 2 सीटर, इनके सिंगल सीटर नहीं मिलते, वेनेशियन स्टाइल के ये फर्नीचर नहीं, ऑर्डर पे बनते हैं सर, अभी फिलहाल डिस्प्ले पे नहीं है, ऑर्डर पे इसकी सेंटर टेबल, इसके सिंगल चेयर सब कुछ मिलता है। अच्छा, सिंगल भी मिल जाएगा इसका जी, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी बता दें आपको, 2 तरह से पॉलिश आती है, सिंगल पॉलिश आती है जैसे आपने इसमें एक देख रहे हैं जी, बिल्कुल, और डुअल एक्सेंट में भी आती है अगर आप चाहें तो, उसमें थोड़े से फ्लावर एंटीक की होते हैं ब्लैक के, हाईलाइट के लिए बस थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। अच्छा, है ना, थोड़ा सा वो फर्क होता है, लेकिन किसी को सिंपल पसंद आता है, किसी को डुअल एक्सेंट में पसंद आता है, बिल्कुल सर। और इसको आप बेज कर सकते हैं क्या सर? जी बिल्कुल, फैब्रिक भी चेंज हो जाएगा, कोई भी कलर का होगा, बिल्कुल किया हुआ है, बहुत कलर मुझे याद है, पहले भी बस बेज में था ये, है ना, बिल्कुल, ठीक है, डन। इसका क्राउन भी अच्छा है पीछे, और साइज ऑफ क्राउन इज ऑल्सो गुड। ये सेंटर टेबल है हमारी, जो सोफा पीछे देख रहे हैं, हालांकि वो भी है अवेलेबल जी, लेकिन हमारा फोकस सेंटर टेबल के ऊपर रहेगा। इम्पोर्टेड है? बिल्कुल सर। क्या टॉप है इसके ऊपर? ऊपर मार्बल, इम्पोर्टेड मार्बल है। अच्छा। और रोज गोल्ड कलर की इसकी लेग्स हैं, 3.5x3 के आसपास साइज होगा इसका, ठीक है। और यही हमारे यहाँ है, तो ये रिजनेबल प्राइस के अंदर लिमिटेड स्टॉक है, इसके 2 या 4 पीस होंगे, अच्छा, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, 2 या 3 यूनिट है हमारे पास। यहाँ पे कुछ सेंटर टेबल हम देख रहे हैं, ये 2, ये स्क्वायर के अंदर है सर, और डबल कलर यूज हुआ है, वाइट एंड ब्लैक, इम्पोर्टेड है, रोज गोल्ड का नीचे बेस है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता। हाई ग्लॉस में है, लग्जरी सेगमेंट की सेंटर टेबल जी। अच्छा, मेटल का इनले वर्क है इसके अंदर, पॉलिएस्टर पॉलिश है, पॉलिएस्टर पॉलिश में है ये, ठीक है। साइज क्या होगा इसका अप्रोक्सीमेटली? इसका 3x3 सर। ओके, डन सर। अप्रोक्स 30 इंच x2.5x2 के आसपास इसका ऊपर वाला मार्बल है, और 2x2 के आसपास इसका स्मॉल मार्बल है, गोल्डन कलर का इसके नीचे का बेस है। अच्छा, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये मल्टी लेवल है, अलग अलग यूटिलिटी वैल्यूज होती हैं इनकी जी, बताइए प्लीज। ये लेफ्ट हैंड LHS के अंदर बना हुआ है, वी कर्व सोफा, और डबल कलर के अंदर डिवाइडर, और कुशन इसके अलग कलर के हैं, बाकी सब ये आइस ब्लू कलर के अंदर। अच्छा, आपने 2 एक्सेंट से खेला है, बेज एंड लाइट ब्लू, ये टोटली नया शेड है
पॉलिश का एकदम नया कलर है ये, आपने कहाँ से इन्वेंट किया है? ये खुद मेटेलिक कलर है सर, जी जो क्या कहते हैं पहले पीयू होते थे, अब ये मेटेलिक कलर है। अच्छा वाइट थोड़ा सा क्रीमी टच है इसके अंदर, जी प्योर जी जी वाइट नहीं है, थोड़ा सा क्रीमी कलर है। जी और ब्लैक का इसके अंदर एंटीक हुआ पड़ा है, प्लस थोड़े से फ्लावर के अंदर टच दिया गया दूसरे कलर का हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, पेटल जैसा इसके क्राउन के ऊपर बनाया हमने, ये रेजन है कि वुड है? रेजन है सर अच्छा, बहुत अच्छा है, और डिफरेंट कलर किया है अपने आप में, ये पूरा हाथ से किया जाता है कलर, जी है बिल्कुल। ना? ठीक है, सी थ्रू एंड थ्रू भी इसमें कई जगह से आप देख रहे हैं तो कटवर्क है, कैमल हम्प है इसमें, एक तरह के दो इसमें हम्स आप देख पाएंगे, टू सीटर में दो हैं, थ्री सीटर में तीन है। इसकी फिनिशिंग कंपेयर टू बाकी सबसे, हाँ जी सबकी भी ठीक है, लेकिन इसकी और भी बहुत अच्छी बहुत स्मूथ है है ना, सर बिल्कुल। जिसका फील है पॉलिश का। जी ओके, बिल्कुल वो एकदम बटर जैसा है, इट्स वेरी नाइस। ये क्या डूको होती है? ये नहीं पॉलिएस्टर है? सर, मेटेलिक है, पीयू से भी ऊपर है थोड़ा सा अच्छा, काम पी इसके उसके भी अंदर। ऊपर है, ठीक है। और इसी अंदर ना कलर का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है, अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा रहा है जी तो कलर सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लाइट वाइट कलर का है और लाइट ब्लू कलर के इनके इसके अंदर आइस अपहोल्स्ट्री ब्लू हैं। कलर का फैब्रिक लगा हुआ है, सॉफ्ट वेलवेट। जी बहुत अच्छा है ये। अभी हम देखिए फर्स्ट शो स्टॉपर में बात कर रहे थे कि जकार्ड मैंडेटोरी होता है नीचे, लेकिन नहीं, जी हम खुद अपने आप अभी अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप फ्लोरल लगाएं, है ना? बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम और वो उससे कुछ सीखने को मिलता है। मुझे, मैं हमेशा प्रेफर करता रहा, मतलब मुझे लगता था कि आप प्लेन से स्प्रे करके देखें, और प्लेन से आपने प्ले किया तो बड़ा अच्छा लुक निकल के आया है। मैं तो इनफैक्ट इसके भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ जो यहाँ पे है। इसको निकाल सकते हैं ना यहाँ पे जी हाथ के बिल्कुल ऊपर जो बिल्कुल कवर से, बिल्कुल एक बार दिखा बिल्कुल दीजिए एक बार निकाल के। अच्छा, यहाँ पे क्रेप बैंडेज से लगा हुआ है ये, अगर आप इसको निकाल देंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, दिखाइए। अच्छा, ये प्लेन हो जाएगा ये थोड़ा सा इसका, और ये शांत सोफा हो जाएगा, तो थोड़ा दूर से दिखाते हैं, है ना? थोड़ा सा हल्का हो जाएगा ये, जी बिल्कुल। राइट? हाँ जी ठीक है, डन। बहुत अच्छा है ये, दिस इज़ द शो स्टॉपर। राउंड आर्म्स हैं इसमें, टू सीटर ये है, और दो कैमल हम्प हैं इसमें, बैक पूरा रेजिन में, इजी टू मेंटेन है। बिल्कुल सर, ठीक है। और पैच वर्क किया हुआ है हमने पहले, अभी तक के बहुत सारे वर्सेस वर्चे चलते थे, अब हमने फ्रेड पेरी का पैच वर्क किया हुआ है। किसका? फ्रेड पेरी, ये क्या है? इंटरनेशनल ब्रांड हुआ। ओ ओके ओके, हमारी ऑलिव लीव्स लगे थे, फ्रेड पेरी। यस ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट, आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगा ये। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ही क्रिएटिव टिप मिल जाएगा आपको, और ब्यूटीफुल इसमें लेग्स हैं, जो क्रिएटिव टिप है उसकी बात कर लें। इसको हम प्रेफर करते हैं हमेशा कि आप अपने ऑपोजिट जो है वाइट कलर डार्क कलर की वॉल के साथ में रखें तो ये ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल है, ग्रे के अगेंस्ट में अगर आप इसको रखेंगे, अगर आपका बैकग्राउंड आप ब्लैक रखेंगे, डार्कर टोन में रखेंगे, तो ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये पूरा स्टैंड आउट होगा और आपको सोफ़ा को एक डेफिनेटिव एक शेप मिल जाएगी। और अगर आप वाइट रखेंगे यहाँ पे, जैसे ये रखा हुआ है, तो आपका पूरा वाइट पार्ट उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो इसलिए प्रेफरेबली आप जो इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्कर टोन में रखें तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। इसी कलर के टोन के आप कर्टन ले लें, और अगर आपका स्पेस बहुत छोटा है तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ब्लू के साथ ब्लू कर्टन ले लें।